एचआईवी वायरस से संक्रमित होने पर व्यक्ति को एड्स हो सकता है। खासतौर पर अगर एचआईवी का इलाज ना कराया जाए तो एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में इस रोग के प्रति सभी में जागरूकता पैदा होना जरूरी है। शार्प एंड नीडल्स, आपने जैसे कि हमारे स्टाफ रोज नीडल से जूझता रहता है, तो उसके साथ साथ कई बार ग्लव्स पहनने के बाद भी नीडल्स चुभने के चांसेस होते हैं। हम तो सामने वाले पेशेंट को यूनिवर्सली मान के चले कि वो सामने वाला इन्फेक्टेड ही है, ना सिर्फ एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये तीनों पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के उसमें आती है। इसमें सबसे मेन आपको क्या करना है पोस्ट एक्सपोजर में, सबसे तो पहले अगर जैसे ही होता है हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है निडल से चुभने के बाद जनरली हम मुँह में हाथ रख लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो उसको साफ पानी में धोना है अच्छे से, विद इन टू आवर आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस लेना है। आपको कहाँ अवेलेबल होगा ये, जनरली इमरजेंसी रूम, ओटी, लेबर रूम, यहाँ सब जगह अपना पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अवेलेबल है। इसमें अगर ना सिर्फ नीडल्स, हम ब्लड्स के या फिर पेशेंट्स के सिक्रीशंस के अगर कॉन्टेक्स में आते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेवल आपने कितना क्या एक्सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने एक्सपोजर के हिसाब से अपने रिस्पांस को क्रेडिट करना है। अगर यह रोग कोई संक्रमण नहीं है जो छूने से फैलेगा। अगर इन मरीजों से भेदभाव करेंगे तो ये मानसिक बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। ये बात शुक्रवार को विश्व एड्स दिवस पर आयोजित कार्यशाला में कही गई। चिकित्सकों ने बताया है कि दुनिया भर में हर साल एचआईवी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली महामारी एड्स के बारे में हर उम्र के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। मृदुभाषी प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम सोनी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।